राम राम जी, क्या आपके पास भी कोई पुरानी टूटी फूटी घड़ी पड़ी हुई है? आप उसे फेंकने की सोच रहे हैं तो फेंकिएगा मत फ्रेंड। हाथ वाली घड़ी हो या दीवार वाली घड़ी, आज बहुत सारे आइडियाज शेयर करूंगी। उससे पहले एक आइडियाज देख लेते हैं हम खुले हुए पैकेट को लेकर। देखिए, खुले हुए पैकेट हमारे घरों में रखे रह जाते हैं, हम भी छोड़ देते हैं, या फिर जो बच्चे हमारे हॉस्टल में पढ़ते हैं वो भी पैकेट में सामान रखते हैं, और कभी कभी घर उन्हें छुट्टियों में आना पड़ता है तो वो इस तरीके से छोड़ कर आ जाते हैं, जिससे पूरा पैकेट यानी कि सामान जो भी होता है उसमें वो ख़राब हो जाता है, जाले पड़ जाते हैं, फिर ख़राब हो जाता है। तो आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। या फिर हमारे घरों में भी कुछ पैकेट इतने बड़े आ जाते हैं कि हम उसमें से थोड़ा सामान खाने पीने के लिए निकाल लेते हैं, बाकी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं रबड़ वगैरह लगाकर। तो यहाँ का पर देखिए, आपको प्रेस गर्म करनी है और कागज़ के अंदर पहले इस पैकेट को रख लेना है, जहाँ से कटा हुआ है पैकेट उसे रखना है, कागज़ से इसे कवर करना है, फिर ऊपर से प्रेस कर देनी है उतने ही कोने को। आप देखेंगे जो कोना खुला हुआ है इस पैकेट का वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो आप इस तरीके से पैकेट को रख दीजिए, फिर जब कुछ सामान इसमें निकाल लो तो आप काट कर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड आप खुले हुए पैकेट को दोबारा बंद कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा, इसमें से कुछ भी चीज़ अब निकल नहीं रही है, आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे। अब देखते हैं फ्रेंड घड़ी वाली टिप। तो यहाँ पर देखिए, घड़ी गिरकर टूट गई है और अब मैं क्या करूँ, सोच रही थी इसे फेंकने की, लेकिन दिमाग में आया कि चलो इससे कुछ नया करें, यानी कि कुछ इसे रियूज करके देखते हैं। तो मैंने सोचा अब क्या करूँ इसका, तो मैं सोच रही थी इसकी मशीन निकाल देती हूँ, फिर दिमाग में आया कि इससे क्या फ़र्क पड़ना है, हमें तो केवल रियूज इसका करना है। तो इसे मैं रियूज कैसे करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इन्हें तो मैं हटा देती हूँ पहले, अब क्या करेंगे, हमारे पास तो फ़ोटो होती है, तो आपके पास जो भी फ़ोटो है आप वो ले लीजिएगा, और फिर आपको करना क्या है, इस घड़ी के फ्रेम से नाप कर आपको फ़ोटो की कटिंग कर लेनी है। अगर फ़ोटो इसमें फिट बैठती है तो आपको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे फ़ोटो फ्रेम की तरह यूज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा आइडिया होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने फ़ोटो ली हुई है फ्रेंड, तो मैं इसे आपको इसके ऊपर रखकर सेट करके भी दिखा देती हूँ, आपकी मर्जी है, चाहे तो आप इसे कट भी कर सकते हैं, इसके चारों तरफ से जो कोने निकले हुए हैं उसे कट कर सकते हैं इसकी साइज का ही, जैसे आपकी घड़ी का फ्रेम है, या फिर आप इस तरीके से भी रख सकते हैं जैसे मैं रख रही हूँ, वो आपकी मर्जी है, आप इसे कैसे फिक्स करना चाहते हैं। तो देखिए मैं आपको रख के दिखा देती हूँ अभी, तो देखने में कितना सुंदर लग रहा है, देखिए है ना, लग रहा है ना। अगर हम बाज़ार से इसे खरीद के लेके आएंगे ना फ़ोटो फ्रेम को, तो आपको पता ही है फ्रेंड काफ़ी कॉस्टली मिल सकता है, और काफ़ी कॉस्टली ये मिलते भी हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से घड़ी से हम अपना फ़ोटो फ्रेम बना सकते हैं, पहले ये घड़ी थी, अब ये खूबसूरत सा एक फ़ोटो फ्रेम हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो किसी भी चीज़ को फेंकना समझदारी नहीं होती है, आप इसे रियूज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए ये इधर का पार्ट जो मैं कट करके निकाल दूँगी, क्योंकि दूसरी तरफ का पार्ट जो है स्टिक सी ये टूट गई है इसकी, और फिर ये बहुत ही प्यारा सा फ़ोटो फ्रेम बन जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, मैं इस फ़ोटो को हटा देती हूँ, ये छोटा वाला फ़ोटो मैं लगाऊंगी, क्योंकि ये इस पर फिक्स सा बैठ रहा है। अब देखिए इस तरीके से हम इस पर लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर ये लगेगा। अब इस साइड में आप अपने हिसाब से इसमें फ्लावर वगैरह भी लगा सकते हैं, अगर आपको घड़ी की सुई वगैरह नज़र आती हैं, या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर आइडिया अच्छा लगा हो फ्रेंड तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और फ्रेंड अगर आपको बाहर से आवाज़ आ रही है तो इग्नोर कीजिए, बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यानी कि बाहर लिंटर डल रहा है मकान पर, तो उसकी थोड़ी बहुत आपको आवाज़ आ रही होगी, आप उसे इग्नोर कीजिए, बस आप वीडियो को इन्जॉय कीजिए। अगली टिप देख लेते हैं फ्रेंड हैंड वॉच को लेकर। तो हैंड वॉच भी हमारे घरों में पड़ी रहती हैं, पुरानी हो जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं, तो हम फेंक ही देते हैं उन्हें भी, तो आप फेंकिएगा मत अगर आपके पास पुरानी वॉच है। तो काफ़ी सारे आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, प्रेस की वायर को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इसको यूज में ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे से प्रेस की वायर इससे यानी कि सेट हो जाएगी, ऑर्गेनाइज हो जाएगी। किसने सोचा था फ्रेंड कि हम प्रेस की वायर को भी इसमें सेट कर सकते हैं, यानी कि कुछ अलग है, कुछ यूनिक है, कहने का मतलब ये है। लगाने का तो आप इसमें रबड़ लगा सकते हैं, क्लेचर वगैरह भी लगा सकते हैं, उससे भी सेट हो जाएगा ये वायर इसका, लेकिन देखिए ये थोड़ा सा यूनिक लग रहा है। अगला आइडिया है फ्रेंड, वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। हम लेडीज़ों को काफ़ी शौक होता है इयर रिंग पहनने का, और हम जब कहीं शादी पार्टी में जाते हैं तो एक जोड़ी कान में पहन के जाते हैं, और एक दो जोड़ी हम संग में लेके जाते हैं, यानी कि दो जोड़ी तो हमारे पास होते ही होते हैं। और गोल्ड के तो बहुत कम पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि शादी ब्याह में खोने का डर रहता है, आर्टिफिशियल का फैशन है, ज़्यादा लोग बाग यानी कि ज़्यादा लेडीज़ें इसी को पहनना पसंद करती हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आप अपनी घड़ी में इस तरीके से सेट करके ले जा सकते हैं,
आपकी वॉच भी मिल जाएगी आपको, अपने पर्स में रख लीजिए, आपके झुमके भी एक जगह पर मिल जाएंगे, क्योंकि वॉच भी आजकल लेडीज़ से ड्रेस से मैच करती पहनना पसंद करती हैं, एक हाथ में बांधती हैं और एक हाथ रख के भी अपने साथ में बैग में ले जाती हैं। इस तरीके से झुमके भी आप इसमें सेट करके ले जा सकते हैं। अगला आइडिया फ्रेंड देखिए कितना अच्छा सा है, हमारे बच्चे जब भी 26 जनवरी 15 अगस्त आती है तो ब्रेसलेट मांगते हैं, यानी कि तरह तरह के ब्रेसलेट आते हैं आजकल। तो देखिए इंडिया वाला ये एक मेरे पास बिल्ला पड़ा था, इसी को मैंने इस पर चिपका दिया है, तो आप गोंद से चिपकाइएगा, मैंने अभी फिलहाल इसे डबल साइड टेप से चिपकाया और ये बहुत ही प्यारा सा ब्रेसलेट बन गया है 26 जनवरी 15 अगस्त के लिए, बहुत ही सुंदर लगने वाला है ये। तो देखिए पुरानी घड़ी से हम कितना अच्छा सा जुगाड़ कर पाए हैं और देखने में भी सुंदर लगेगा और काफ़ी समय तक ये चल भी पाएगा, बच्चों को घड़ी की घड़ी मिल जाएगी और उनकी खुशी का ठिकाना भी नहीं रहेगा। अगला आइडिया है फ्रेंड देखिए, इस पर हम क्या करेंगे, कभी कभी ना हमारी घड़ी का जो शीशा होता है वो डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, तो आप इस पर फ्लावर लगा दीजिए, कोई फ्लावर आपके पास पड़ा हुआ है तो आप इसे ब्रेसलेट की तरह भी पहन सकती हैं, कोई सुंदर सा फ्लावर है आपके पास तो वो लगा लीजिए, आप इसे हाथ में पहन लीजिए। अगर आप इसे हाथ में पहनना नहीं चाहती हैं तो इसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए दूसरे तरीके से हम इसको कैसे यूज करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ हम यूज करने वाले हैं इसे पर्दे में, तो पर्दे हमारे इस तरीके से खुले जब रह जाते हैं तो हमें एक समय ऐसा होता है कि इसे बांधना ही पड़ता है, जिससे हम रस्से का प्रयोग करते हैं, तो आप इसे घड़ी से सेट कर सकती हैं पर्दे को। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड अगली टिप्स है चूड़ियों को लेकर, चूड़ियाँ हम लेडीज़ों को पहनना बहुत पसंद होता है, तो अगर आप कहीं बाहर जाती हैं तो आप इस तरीके से चूड़ियों का सेट बनाकर ले जाइएगा, और एक्स्ट्रा घड़ी भी अगर आपके पास होती है, आप एक्स्ट्रा घड़ी पहनना पसंद करती हैं ड्रेस से मैच करती हुई, तो घड़ी में इस तरीके से अपनी चूड़ियों को मिलाकर यानी कि लगाकर इसमें रख सकती हैं और भी चूड़ियाँ इसमें आ जाएंगी। आशा करती हूँ ये वाली टिप्स में आपको पसंद आई होगी। अब आप इसे बैग में रख लीजिए, जब जरूरत पड़े आप इसमें से निकाल के पहन सकती हैं। तो आज की वीडियो में ये कुछ आइडियाज़ थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, कौन सा आइडियाज़ आपको अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।